गाइस वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। गाइस मेरा सवाल ना आज सबसे, ऐसे तो मैं बहुत हंस हंस के वीडियो बनाती हूँ, ये करके बनाती हूँ, लेकिन मेरा सवाल ना आज आप सबके लिए है कि एक लड़की को ना अपने मायके में क्या चाहिए। अगर उसके दो भाई हैं, अच्छे हैं, इनकम करते हैं, मम्मी पापा हैं, सब कुछ है, तो एक लड़की ना क्या चाहती है अपनी फैमिली में? यही चाहती है ना कि हाँ उसको जब भी वो अपने घर में जाए तो उसको प्यार मिले, उसको सपोर्ट मिले, लोग उसको ना, क्योंकि देखिए सबका ना ससुराल में जाके किसी का ना कष्ट होता है, किसी कुछ भी होता है, तो चाहती है ना कि जब मैं मायके जाऊँ तो पूरा रिफ्रेश होके आऊँ। और जो लोग भी ना सचिन राज की जो बहन है पूजा, उसके बारे में ना उसके पीछे पड़े हुए हो कि ऐसी है, घर में झगड़ा लगा दी, ऐसी ननद वैसी ननद, तो एक बात बताओ आप लोग, वो लड़की ना मायके जाके क्या उसने कोई गलती कर दिया? जब से वो मायके आई है ना तब से उसको कंट्रोवर्सी में खींच लिया गया, खींच लेगा। और हाँ एक चीज़ गाइस मैं बोलना चाहती हूँ, जो लोग भी ये बार बार कमेंट कर रहे हैं ना कि मनीषा यहाँ पे आके सिवान में क्यों रुकी हुई है, उसको सिवान से चल जाना चाहिए, सिवान में है तो अभी सचिन ना सिवान में घर बना रहा है, सिवान में ना सॉरी स्कूल बना रहा है, तो क्या अम्बाला में अकेले रहेगी? इसीलिए रुकी हुई है। तो आपको आई होप कि आपको इस सवाल का ना जवाब मिल गया होगा, और भी जिनके जो सवाल है ना उसका जवाब मिल जाएगा। और थैंक यू, मैंने सुना अप्सरा आंटी ने, मैंने देखा भी कि अपने वीडियो में मेरा नाम लिया और मुझसे वो लाइव में आई थी तो पूछी थी कि आप मेरी कौन सी रिलेटिव है, तो देखिए रिलेटिव कौन सी हूँ क्या हूँ ये जिस दिन मेरा मूड करेगा उसी दिन बताऊँगी, नहीं मूड करेगा नहीं बताऊँगी। फिर भी अभी फ़िलहाल के लिए जान जाइए, इंसानियत वाला भी एक रिश्ता होता है, सब्सक्राइबर यूट्यूबर का रिश्ता होता है, और उसके आगे मैं आप लोगों के साथ सस्पेंस गाइस, सस्पेंस। और ये बात तो बहुत लोग जानते भी नहीं थे क्योंकि मैं सचिन मनीषा की रिलेटिव हूँ, और आंटी ने ये बात बोल के सबके मन में ना ये डाल दिया है कि मैं क्या सच में उनकी रिलेटिव हूँ कि नहीं। कोई रिलेटिव अपनों को इतना अच्छा चाहता है क्या गाइस? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि मैं सचिन मनीषा की रिलेटिव हूँ कि नहीं हूँ, ये आप कमेंट्स कीजिएगा। और मैं सारे लोग से जानना चाहती हूँ जो लोग मुझे देखते हैं कि आप इतना दिन से मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने कितने बार सुना, मैंने पहले बोला है ऐसा नहीं है, आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि मैं सचिन मनीषा की रिश्तेदार हूँ, ये प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग सवालों का जवाब आई होप कि आप लोगों को मिल गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ गाइस देखिए, किसी भी लड़की को ना, कोई भी लड़की हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी चाहता है ना कि जब भी मैं अपनी मायके जाऊँ ना हमें प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, और इससे बढ़कर ना एक लड़की कुछ भी नहीं चाहती है। और भाई बहन ना, लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं कि करोड़ों की संपत्ति भी ना अपने मतलब भाइयों के लिए छोड़ देती हैं, उसमें भी हिस्सा नहीं लेती है। यहाँ तक कि आई डोंट नो आप इस चीज़ पे ट्रस्ट करोगे कि नहीं, कुछ लड़कियाँ तो ऐसी हैं ना कि उनके ससुराल में जो पैसा मिलता, मैंने देखा है, ऐसा देखा है तो ही बोल रही हूँ, और किया भी होगा शायद, कि कुछ लड़कियाँ तो ऐसी होती है उनके माँ बापा तकलीफ में होना, तो जितना अर्न करती हैं, या हो सकता है कि उनके पति अर्न करते हों, जब वो नहीं अर्न करती हैं, अगर उनके पास ना 100 रुपया है ना तो 10 रुपया बचाती हैं, और जब वो मायके जाती है ना तो अपनी मम्मी पापा के लिए सोचती है कि मैं कुछ करूँ। इस बात से कितने लोग सहमत हैं। और कुछ लड़कियों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि एक साड़ी अगर माँ पापा नहीं दे पाते हैं तो खुद से साड़ी खरीद के ससुराल में ना माँ बाबा का, मेरे माँ का, मेरे पापा का और मेरे भाई का ना नाम बेइज्जती ना हो तो अपने ससुराल मायके से ना साड़ी लेके खुद ही के पैसे से खरीद के खुद ही लेके जाती हैं, ताकि ना ससुराल वालों को ये दिखा सकें कि मेरे मायके में ना मेरा कितना रिस्पेक्ट है। आप तो वही है गाइस, सचिन राज की, जो उन्होंने अपने बड़े भाई के बारे में भी ओपन आकर वीडियो बनाकर बोला है कि गृह प्रवेश में ना उनको थोड़ा दुख लग गया था। तो आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो गया है, और सचिन राज के बारे में उन्होंने बोल दिया, और आज भी उन्होंने पूजा अपने इस बात पे अड़ी हुई है कि जब तक सचिन नहीं बुलाएंगे ना तब तक वो नहीं जाएंगी उनके घर, और सही है। और आपको एक बात पता है, जो भगना और भगनी होते हैं ना वो ब्राह्मण के बराबर होते हैं। भगनी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भगना होते हैं ना, क्योंकि देखिए अभी मैं कुछ गलत बोलूंगी तो आप तो बोलोगे फिर शास्त्र महाभारत उठा के लेके आ जाओगे, तो मैं बोलना चाहती हूँ जो आपके भगने होते हैं बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनके ना भगना जन्म लेते हैं, जिनके घर में ना भगना होता है। क्योंकि कहा हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है ना कि आप 100 ब्राह्मण को जो खाना खिलाते हो ना, अगर आप एक अपना भगना को बैठा कर उसको अच्छे से इज्जत करके खाना खिलाओगे ना तो आपको उसका पुण्य मिलता है। अब 100 ब्राह्मण है कि 10 ब्राह्मण है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मुझे ये चीज़ मैंने बार बार बोला, देखिए आंटी ये वीडियो मेरा जरूर देखेंगी और फिर शायद इसको निगेटिव कौन लेगा कि कौन पॉजिटिव लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बोलना चाहती हूँ आंटी प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। आपके घर में ना आपके अगर बेटे सही होते हैं आंटी तो कुछ भी नहीं गलत होता, कुछ भी गलत नहीं होता। कहीं ना कहीं देखिए
आपके बच्चों की ही गलती है ना, जिसके वजह से आज पूजा को ना ये रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है, मानते हैं कि रंजना को, मैं नहीं बोलती हूँ कि रंजना एकदम सही है, एकदम गलत है, लेकिन आवश्यकता से अधिक ना प्रिंस की गलती है। प्रिंस ही ज़्यादा करके टोन करता है। और वहाँ पर भी अगर ना सच्ची एक बार मनीषा आवाज़ उठाती है, सचिन बोलता है मनीषवा, जैसे बोलता ना ए मनीषवा बोल भी हमारे बहनिया के, तो जैसे बोलते हैं सचिन ए मनीषवा कहाँ बड़े रे, वैसे ही बोल देगा एक बार सचिन ना, ए मनीषा पूजा मेरी दीदी बहन है, उसको प्यार करना है, उसको अपने घर पे बुलाना है, उसको इज्जत करना है। तो इन लोगों के पास साड़ियों की आपके पास कमी नहीं होती, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपकी बेटी को कोई डिसरिस्पेक्ट करता। और मैं सच में बोल रही हूँ, मेरे भी दो भाई हैं और मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ देख कर कि एक लड़की का ना मायके से रो के गई और इतना सारा तिगड़ी उसको ना सारे लोग पूजा को कोई बोल रहा है कि वो जानबूझ के घर बिगाड़ रही है, कोई बोल रहा है माँ को। अगर आप लोग से जो लोग ये बोल रहे हैं ना पूजा जानबूझ के घर तोड़ी, अगर आपके दोनों भाई हो और आपके माँ बाप को इज्जत नहीं कर रहे हो, आपके माँ बाप का बात नहीं सुने, तो आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे? मेरा भी नाम पूजा है और मैं भी इंटरफेयर कर दूंगी, अगर मेरे सामने कोई गलत बोले तो मैं किसी को नहीं पहचानूंगी। तो ये सच है, ये रियलिटी है। तो पूजा अपने जगह पे बिल्कुल सही है। और पहले बार जब वो रोई है ना, तो उसको भी शायद मन में ये होगा कि मेरे वजह से शायद गिरी पर, क्योंकि इंसान एक उम्मीद करता है ना कि हाँ मेरे ऐसा नहीं ऐसा है वैसा है, कुछ भी बहुत सारे इंसान के मन में चलता है कि मैं बहन हूँ। जैसे मैं ही अपने मायके जाती हूँ तो बहुत सारा उम्मीद लगा के जाती हूँ, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो अच्छा लगता है। आप कभी मेरे भाइयों को ना शॉर्ट से देखिएगा या आप ब्लॉग शेयर करूँगी तो मैं ज़रूर उनको बारे में शेयर करूँगी। और मेरे भाई डिफेंस में आप लोगों को बता दूँ, और बहुत जल्दी मैं उन लोगों से ना शायद छठ पूजा आप लोग से मिलवाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ ना ससुराल में छठ पूजा नहीं होता है, होता था लेकिन अभी हमारी ना सासू माँ का मतलब उम्र हो गया है, तो पिछले साल से ना उन्होंने छठ माँ को ना ये कर लिया है, नहीं कर पाएंगी वो इस साल। तो मैं ना अपने मम्मी के घर ही जाऊंगी छठ पूजा में, तो देखती हूँ, कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ ब्लॉग जरूर शेयर करूंगी। और मेरा ब्लॉग ना, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा ब्लॉग कौन कौन देखना चाहता है एक बार प्लीज़ लिख दीजिएगा। मेरा ब्लॉग ब्लॉग दीदी का ब्लॉग, तो मैं समझ जाऊँगी आप लोग मेरा ब्लॉग देखना चाहते हो कि नहीं, तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखना पसंद करोगे कि नहीं। तो मुझे लगता है ना कि अगर दोनों भाई सही होते ना, तो आज इनकी भाभियों का इतना ये नहीं होता, जो भी जो टोन फोन कसा गया। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि आंटी ने जो वीडियो बनाया था ना कि मैंने उनको बोला है, क्या एक लड़की अपने मायके में 5 दिन 10 दिन 15 दिन नहीं रह सकती है? अगर रंजना गई है तो क्या हो जाता अगर वो छठ पूजा तक रुक जाती वहाँ पर, और वो किसका शादी उसके बाद ही आती, तो क्या हो जाता? उसका सारा सूट भी हो जाता, उसका तबीयत भी खराब है, डिप्रेशन में भी चली गई थी, लेकिन जहिया से ना गई सो दंडीवा खेली रंजना, धिनक धिनक धिन था तहिया से ना गई सो ठीक हो गई है रंजना। मेन बात तो यही है कि उसी दिन से ठीक हो गई है, लेकिन जो भी ठीक हो गई है तो थोड़ा मायके में ही रह जाती कुछ दिन, तो क्या हो जाएगा? बोली रहो थोड़ा तबीयत अभी ठीक हो जाएगा तो आना, यहाँ आएगी तो दिन भर रोटी बनाएगी, तुम ही ना बोलती है कि दिन भर सब कोई तुमसे रोटी बन। ओ अब समझे समझे, आंटी तो कुक रख दी हैं, रोटियां तो बनाना नहीं है, डिंगन डिंगन रोटी नहीं बनाना है, इसीलिए आना चाह रही थी ना। चलो जहाँ भी रहो तुम लोग सब फैमिली खुश रहो, इंसान यही चाहेगा। पैसा पैसा पैसा, सचिन तो कल बोली दिए पैसा आ रहा है पैसा, इस महीने में बहुत कमाए हैं सचिन भैया, पार्टी दीजिए पार्टी, हम तो आपके रिश्तेदार हैं आपको पता ही है, तो हमको तो पार्टी ज़रूर चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ना, आप लोग ना आप मेरा बात मान लीजिए, आप लोग कि बेलनवा दिखा रहे तो डरिएगा मत, आदत हो गया है। आप लोग ना अपनी बहन को जितना प्यार देंगे ना, अपनी भगना को, ये तो दिखता है सचिन अपने भगना को बहुत प्यार करते हैं, आप अपनी बहन को जितना प्यार करोगे ना, जितना बार उनको बुलाओगे, इज्जत करोगे, जितना ज़्यादा ना आप देखना आपकी ना धन संपत्ति दिन पे दिन उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। और कोई बहन नहीं चाहती है कि मैं ना आपकी संपत्ति में, आपके घर में ना आधा हिस्सा कर लूँ, ये ले लूँ वो ले लूँ, कोई आपको मायके में ना बैठने नहीं आती है। अब रंजना ही चली जा रही है इतना बार मायके, तो क्या अपना मायके का संपत्ति लेगी? नहीं लेगी ना। तो रंजना को भी खुद से सोचना चाहिए, और जिसको भी सोचना है सोचना चाहिए। अब मनीषा के खिलाफ अब कोई मत बोले, मनीषा अब शेरनी हो गई है, और सचिन ने कल गिद्दड़ कौन है ये बता दिया है, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। चलिए मिलती हूँ, और आप लोग से रिक्वेस्ट है सचिन राज परिवार से, सचिन और स्पेशली प्रिंस से, कि आप अपनी बहन का इज्जत कीजिए और माँ बाप का भी इज्जत कीजिए। क्या बोलते हैं, अपने से बढ़कर कोई भी नहीं, ना मैं, ना कोई रिएक्शन चैनल वाली, ना आपकी अमरपाली दुबे का नाम है जी उनका, आगरा वाली दीदी, ना पटना वाली दीदी, ना बम्बई वाली दीदी, ना बम्बई वाली फूआ,
कोनो दुआ दुआ मुआ कुआ चुआ कोई काम नहीं आने वाली है, लास्ट में आपके परिवार ही आपका काम आएगा। तो ये चीज़ याद, जिससे सचिन मनीषा देखिए ना आके सिवान में है, वैसे ही आप सुधर जाइए, आपको टाइम मिला है तो आप अभी सुधर जाइए और अच्छे से रहिए, सही से रहिए, आप लोग का फैमिली अच्छा लगेगा और भी व्यू जाएगा आप लोग को, व्यू जाने के लिए अपना घर वे काफ़ी है आप लोग का। तो चलिए बने रहिए और प्रेम और शांति बना के रखिए ताकि दूसरा चैनल वाले कुछ नहीं बोल सके। और हम यही बोलेंगे कि पूजा का संग गलत हुआ था, पूजा को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और आप लोग प्यार से उसको बुलाओ और गाना गाओ, फूल तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा।